उन्होंने कहा कि आपका जो लाइसेंस है वो रद्द हो चुका है। चलो उस दिन बिल नहीं जमा होगा, दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, पर तकलीफ वही है। अगर आज ये लोग 20 से 25 किलोमीटर पैदल जाके सुंदरवनी में जाके बैंक का कोई भी काम हो, पेंशन का कहाँ लेना ही हो, इधर हमारे गांव में ही कोई बैंक हो तो हम यहाँ आराम से अपने बिजली का बिल जमा कर सकते। वहाँ हमारे को धक्के पे धक्का लगता है, बस वहाँ पे जाएंगे कितना दिन वेस्ट करेंगे सर हम। जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र राणा। सुंदरबनी की जो बॉर्डर एरिया की जो तहसील बैरीपतन, सुंदरबनी की बैरीपतन तहसील की जो बॉर्डर की सीमावर्ती लोगों की कई प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 2017 में एक जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा को यहां पर मंजूरी दी गई थी और लगभग 4 वर्ष बीत जाने के उपरांत आज तक वह बैंक शाखा नहीं खुल पाई और जितने भी जो सीमांत क्षेत्र के रहने वाले जो सीमावर्ती गरीब लोग अथवा बूढ़िया जितने भी जो बूढ़ी और बूढ़ा जिसे हम वृद्धावस्था की पेंशन कहते हैं, वो बेचारे बुजुर्ग जो वृद्धावस्था में अपनी पेंशन लेने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1000 रुपये का जो मासिक पेंशन उनको मिलती थी, अगर वो पेंशन लेने के लिए जम्मू कश्मीर का जो मुख्य शाखा सुंदरबनी में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि ये पुनः खाली हाथ इनको लौटना पड़ता है। क्या कारण रहा? यहाँ पर जो तमाम जनता आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारे के सारे इस समय मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो बैंक शाखा जो 2017 में जिस शाखा की मंजूरी दी गई थी, उस शाखा को आखिर खोलने में क्यों इतनी देरी हो रही है? सरकार की ओर से मंजूरी दी गई, यहाँ पर उस बैंक की शाखा को खोलने के लिए एक इमारत ली गई, लगभग लोगों को ये कहा गया कि आप अप्लाई करें, आपकी इस इमारत के अंदर बैंक की शाखा खुलेगी। लोगों ने अप्लाई किया, लोगों के दस्तावेज मांगे गए, बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक 4 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी बैंक की शाखा नहीं खुल पाई। क्या कारण रहा सरपंच साहब? इस पर बात, फिर बैंक की शाखा मंजूर हुई और मंजूरी मिलने के 4 वर्ष बीत जाने के बाद क्या कारण रहा कि आज तक वो शाखा नहीं खुल पाई? क्या कारण रहा कि सरकार क्यों यहाँ के जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब जनता को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारा टांडा कांगड़ी विलेज अडॉप्ट किया था, उसके तहत ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये विलेज अडॉप्ट हुआ था और जहाँ पे लगभग 5000 के करीब जनधन खाते और सोशल वेलफेयर के अकाउंट, ओल्ड एज पेंशन के अकाउंट, विधवा पेंशन, ऑल टोटल जितनी भी अकाउंट्स होते हैं सारे खुले थे जहाँ पे। और मैं खुद डील करता हूँ जहाँ का CSC जो है, हमने घर घर जाके लोगों के अकाउंट खोले थे। उसके बाद 2017 में हमारी जो ब्रांच सेंक्शन हुई कांगड़ी के नाम पे, उसके बाद मैं अप्लाई भी किया पार्टियों ने, लेकिन उसके बाद में ब्रांच आज तक ओपन नहीं हो पाई। क्या मैं आपके पास वो आदेश है जिस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से इस बैंक शाखा को मंजूरी दी गई थी? बिल्कुल। और मैं अपने 4-5 लोगों को लेके DGM साहब के से मिला, हमारे चेयरमैन साहब के साथ बात हुई, हमारे जो सबका MLA थे उनके साथ भी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपका जो लाइसेंस है वो रद्द हो चुका है। और जब हमने कारण जानना चाहा कि इसका कारण बताइए हमें कि क्यों रद्द हुआ, क्या हम इस क्राइटेरिया में फाल नहीं करते, क्या एलिजिबिलिटी है जो बैंक खोलने की, क्या हम उसमें डिजर्व नहीं करते, किस वजह से ये हुआ, जा कोई राजनीतिक कारण था, ये हमें बताना चाहिए। हमारी जनता जे मांग करती है कि हमें बताया जाए कि क्यों। आपको बता दूं कि हमारी 2014 में तहसील बैरीपतन यूनिट बना जहाँ पे, और लगभग 8 से 9 पंचायतें जो हैं, 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन है जो बॉर्डर पे लोग हैं। आज ये लोग 20 से 25 किलोमीटर पैदल जाके सुंदरवनी में जाके बैंक का कोई भी काम हो, पेंशन का कहाँ लेना ही हो, या कोई सैलरी लेनी हो, या कोई और लोन की फैसिलिटी लेनी हो, वो वहाँ पे जाते हैं। खासकर बिल जमा कराने की इतनी दिक्कत है, सुंदरवनी जाके लाइनों लगी होती हैं, कई लोगों का वहाँ पे नंबर ही नहीं आता। और मैं आपके माध्यम से LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो कांगड़ी की ब्रांच कांगड़ी के नाम पे सेंक्शन थी, उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। ऐसा ना हो कि ये पब्लिक जो है ये चक्का जाम करे, रोड बंद करे। चाचा जी, किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता जिले तो सुंदरबनी बैंक के जाते हो अपने बिजली का बिल जमा करवाने वास्ते, जब और भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने हो, पैसे कढ़ाने हो, किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता? सर जी, बहुत ज़्यादा समस्या आती है जो आप बिजली का बिल जमा करने जाने, मतलब 10 बजे करीब बैंक खुलते हैं 10:30 तक, तो 10 बजे उधर नहीं पुज सकते, आप थोड़े लेट भी पुज सकते हैं। 2 बजे तो बाद कई दफ़ा लाइन इतना कि 100-150 आदमी लाइन च लगे होंगे। अगर 2 बजे साढ़ा नंबर आने वाला हों तब बैंक बंद करिए, और असें 2 बजे शायद वापस आना होगा, 2-3 दिन लग जाते हैं वो बिल जमा करने में ही। चलो उस दिन बिल नहीं जमा होगा, दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, पर तकलीफ वही है। अगर इधर हमारे गांव में ही कोई बैंक हो तो हम यहाँ आराम से अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, या कोई भी पैसा जमा कर सकते हैं, टाइम पर निकलवा सकते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जहाँ गाय प्रयास बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास बिल्कुल जुड़ता है गाय प्रयास, तो कहेंगे जी इस बैंक के लिए 2014 में RBI ने मंजूरी दी थी, क्या देखते हुए बॉर्डर एरिया है,
जहाँ की पॉपुलेशन, जहाँ रोड नहीं है, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ पे पेंशन के लिए जाने नहीं देते। अब उस बैंक में जाके देखोगे, वहाँ बैंक में अगर किसी बुजुर्ग को आपने लेके जाना, बैंक के जो चेयरमैन हैं शिब्र साहब से आप किस प्रकार की मांग करते हैं कि जिस बैंक शाखा को मंजूरी दी गई है आखिर उसको खोलने में क्यों देरी हुई, कितने समय के अंदर ये शाखा खोली जाए, क्या मांग करते हैं आप? हमारी भी यही मांग है कि किस कारण से इसे रोका गया है, कोई पॉलिटिकल कारण है या कोई और वजह है, जहाँ की जो लोगों की समस्या है आम लोगों की बहुत ज़्यादा है। शाखा जो आपके इस एरिया में मंजूर हुई थी आखिर उसको खुलने में क्यों देर हो रही है, क्या मांग करते हैं कि कितनी जल्दी ये खुलनी चाहिए? हम तो कहते हैं जी कल ही खुल जाए, चक्कर ये है कि देखो जहाँ से सुंदरबनी जाते हैं 30 रुपये किराया लगता है, 40 रुपये लगता है, गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, गरीब बंदा जिसकी 1000 रुपये पेंशन है जब सुंदरबनी जाता है 50 रुपये उसका महीने का किराया लग जाता है, पीछे बचा 950 रुपया। तो अनपढ़ बंदे होते हैं, हमारी मल्दी इधर कोई मदर है, मेरी मदर भी है, उनको धक्के पे धक्का लगता है कि अपने मल्दी इधर गाँव में हो जाएगी, कितनी इधर संख्या है सर। तो चक्कर ये है कि बात ये है कि बैंक अपने इधर हमारे एरिया में बैंक होना चाहिए, तो हम ऐसे भी चले जाएंगे, उधर लाइन में बैठना पड़ता है, धक्के पे धक्का लगता है, हमारी माँ बहन कोई भी होती है ना, कोई पेंशन लाने जाता है, कोई कुछ होता है, कोई विधवा होता है, कोई कुछ होता है, चक्कर ये है कि वहाँ पे धक्के पे धक्का लगता है, हमारे को माँ बहन कोई भी जाती है, 3 महीने हो गए मेरी माँ ने पेंशन लेने सुंदरबनी में नहीं गई, अगर वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर धक्के पे धक्का लगता है, रश होता है बैंक में, ठीक है जी। कोई गरीब है कोई अमीर है, इधर बैंक होगा हमारे को 100 सुविधा मिलेगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ पे पहली बात है अगर 2 दिन खड़े रहेंगे दिहाड़ी लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे को पूरा दिन बैठना पड़ता है, पूरा दिन हमारे को वहाँ पे बैठना पड़ता है, दिहाड़ी दाने अगर काम नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से हम, तो उधर हमारा नंबर ही नहीं आता है, इधर से जाते हैं हमारा नंबर नहीं आता है वहाँ पे, इधर हमारा बैंक हो जाएगा, जनसंख्या इधर ही बहुत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे को धक्के पे धक्का लगता है, बस वहाँ पे जाएंगे कितने दिन वेस्ट करेंगे सर हम। कश्मीर सरकार की ओर से तो सीमावर्ती क्षेत्र सुंदरबनी की बैरीपतन तहसील को भी तहसील का दर्जा मिला और 2017 के अंदर जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा मिली, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी वह बैंक शाखा जो है वह खुलने के यहाँ की जनता सपने देख रही है। यहाँ की जनता की एक ही मांग थी जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन आर के शिबर साहब से, ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अतिशीघ्र जो सीमावर्ती क्षेत्र की जो जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा को मंजूरी दी गई है उस शाखा को अतिशीघ्र खोला जाए, ताकि यहाँ के जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए, जिस सुविधा के बाद ही बड़े बड़े सरकार करती है उस सुविधाओं को पहुँचाने के लिए जम्मू कश्मीर का जो LG प्रशासन है तुरंत संज्ञान में आए, इस क्षेत्र के अंदर अतिशीघ्र बैंक शाखा को ओपन किया जाए। फिलहाल आप जुड़े हैं बाहू एक्सप्रेस साहब, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ बाहू एक्सप्रेस के लिए।